स्त्रियों के पति का अगर देहांत हो जाता है तो बड़ी ही दर्दनाक स्थिति होती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, कौन से शास्त्र में या लिखित है कि स्त्री को ही इन नियमों से गुजरना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि नाज़रीन, आज की वीडियो में डॉक्टर जाकिर नायक से एक गैर मजहब लड़का जो है ना वो क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट बहुत ही मुख्तलिफ क्वेश्चन है। तो चलते हैं वीडियो देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक ने इस लड़के को क्या जवाब दिया है, किस तरह खूबसूरत तरीके से समझाया है, दलायलों के साथ समझाया है। तो डॉक्टर जाकिर नायक ने क्या जवाब दिया तो ये इस वीडियो में पता चल जाएगा। बस अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियो भी आपको बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्त्रियों के पति का अगर देहांत हो जाता है तो बड़ी ही दर्दनाक स्थिति होती है, उनको जो रीति रिवाजों से गुजरना पड़ता है, उनका चूड़ी तोड़ना, माथा पोछना, इस तरीके का करते हैं, उनके कपड़ों तो को छुआ भी नहीं जाता, ये अनुभव है गुरुजी, तो वो बहुत ही खराब लगता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, कौन से शास्त्र में या लिखित है कि स्त्री को ही इन नियमों से गुजरना पड़ेगा? क्या पुरुषों के लिए ऐसा कोई नियम शास्त्रों में वर्णित नहीं है? एक महान संत होंगे वो अपनी जगह पर वृंदावन के ही, उनको कहते हुए सुना कि जो भी व्यासपीठ पर स्त्री के मुंह से श्रीमद् भागवत कथा सुनता है वो नरक में पड़ता है। तो गुरुजी ऐसा क्यों कहा जाता है? अब जो लोग भेद करते हैं वो अपनी गंदी सोच, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने संस्कारों के आधार पर वह निर्णय लेते हैं। भाई किसी का पति चला गया तो ये रिवाज है कि चूड़ी उस समय फोड़ी जाती हैं, उस समय अब पति नहीं है तो मांग किसकी भरेगी, है ना, पति नहीं है तो श्रृंगार किसका करेगी। तो वो तो स्वाभाविक है कि वो श्रृंगार और तो नहीं होता, परंतु समाज ये कहे कि अब हम तुम्हें देखेंगे नहीं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इस्लाम में खवातीन के हुकूक वेस्टर्न मीडिया के नज़रिए से, मगरबी मीडिया के नज़रिए से देखेंगे तो हमें मानना पड़ेगा इस्लाम में ख्वातीन को जलील किया जाता है, इस्लाम में ख्वातीन के साथ बर्ताव सही नहीं। अगर हम इस्लाम में ख्वातीन के हुकूक वेस्टर्न मीडिया के नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट अ डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ बॉडी, डिप्राइवेशन ऑफ ऑनर एंड डिग्रेडेशन ऑफ अ सोल। ये मगरबी नारा आज़ादी निस्वा का हकीकत में औरतों के इज्जत को लूटता है, औरतों के आबरू को लूटता है, औरतों को जलील करता है। द वेस्टर्न सोसाइटी क्लेमिंग टू अपलिफ्ट द वुमेन हैव एक्चुअली डिग्रेडेड हर टू अ स्टेटस ऑफ मिस्ट्रेसेस, ऑफ कॉन्क्यूबाइन्स, ऑफ सोसाइटी बटरफ्लाइज व्हिच आर हिडन बिहाइंड द कलरफुल स्क्रीन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये मगरबी तहजीब जो कहती है कि ख्वातीन को हम ऊंचा मकाम दे रहे हैं, हकीकत में उन्हें एक तवायफ बनाता है, हकीकत में उन्हें रखेल बनाता है, उन्हें बाजार की जीनत बनाता है आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले ख्वातीन को अपने हुकूक दिए। वो दौर अय्यामुल जहलिया कहलाता था, जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ वो दौर को कहते थे अय्यामुल जहलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने ख्वातीन को अपने हुकूक दिए। आज की दुनिया की आबादी में से तकरीबन 20-25% मुस्लिम हैं और कई मुख्तलिफ मुस्लिम माशरे हैं, कुछ इस्लाम के करीब है, कुछ इस्लाम से दूर है। इस्लाम में ख्वातीन के हुकूक को जानने के लिए हमें मुस्लिम माशरे को नहीं देखना चाहिए, मुसलमानों की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर सही तरीके से आप जानना चाहते हैं इस्लाम में ख्वातीन के हुकूक क्या है, हमें तहकीक करना चाहिए इस्लाम के मज़हब किताब की, जो बुनियादी किताबें हैं इस्लाम में उसको हमें पढ़ना चाहिए जानने के लिए इस्लाम में ख्वातीन के हुकूक क्या है। इस्लाम में बुनियादी किताबें हैं कुरान और सही हदीस। कुरान और सही हदीस कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे। मैं जानता हूँ कि इस मौजू पे इस्लाम में ख्वातीन के हुकूक अक्सर कई बार उलमाओं का इख्तलाफ है। इसकी वजह है
क्योंकि कई बार एक कुरान मजीद की आयत को देखते हैं और बाकी सारे आयतों को नज़रअंदाज करते हैं। अगर कुरान मजीद को एक साथ में पढ़ा जाएगा मुकम्मल तौर पे, तो जितने भी इख्तलाफ है अक्सर ये इख्तलाफ दूर हो जाएंगे। अगर कोई दो तीन राय है तो सही राय जानने के लिए हमें देखना चाहिए सही हदीस में इसकी तफसीर क्या है। अगर ये इख्तियार किया जाए तो इंशाअल्लाह जितने भी इख्तलाफ है वो मिट जाएंगे। इस्लाम में मर्द और औरत का दर्जा बराबर है, लेकिन बराबर दर्जे का मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हूबहू है। औरत और मर्द का दर्जा इस्लाम में बराबर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हूबहू यकसा है, क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला ने औरत और मर्द को फिजियोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, बायोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, साइकोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, फिजिकली डिफरेंट बनाया है। जिस्मानी तौर पे औरत और मर्द अलग है, जहनी तौर पे अलग है, डिपेंडिंग अपॉन द मेकअप। जिस तरीके से अल्लाह सुबहाना व ताला ने मर्द और औरत को अलग तरीके से बनाया है, उसी तरीके से उनका रोल जो है वो अलग-अलग है, डिफरेंट है। मैं अरबी में कहूँगा और आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, अल्लाह सुबहाना व ताला आपको जज़ाए खैर दे और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में डाले। वीडियो तो आप सब लोगों ने देख लिया, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही दलाइल के साथ आंसर दिए हैं। इस तरह खूबसूरत और शानदार वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी कुछ फायदा मिल जाए। शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपनी दुआओं में याद रखना।